2019 का चुनाव एक इतिहास बनाने जा रहा है। अमेठी को अगर देखें तो ये बताया जा रहा है कि अमेठी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री चुनाव जीतने के नजदीक आ रही हैं। ये पहली बार होगा 1977 के बाद कि वहां पर जो गांधी परिवार का एक फीएफडम माना जाता है, वहां पर राहुल गांधी को भी अपनी डिफीट देखनी पड़ेगी। इससे पहले 1977 के अंदर उनके चाचा संजय गांधी वहां से चुनाव हारे थे। स्मृति ईरानी कई दिनों से वहां पर काम कर रही है, बड़े अग्रेसिवली कैंपेन कर रही है, और राहुल गांधी कभी कभी वहां पर अतिथि के तरह चले जाते थे कि उनको विश्वास था कि अमेठी की जनता कभी भी गांधी परिवार के साथ धोखा नहीं करेगी। पिछली बार भी राहुल गांधी केवल 1 लाख वोटों से जीते थे क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने उनके अपने वोट जो थे उनकी तरफ ट्रांसफर कर दिए थे। तो ये जब अमेठी जो है वो उत्तर प्रदेश की दशा बताता है। सबको लगता था कि गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सफाया हो जाएगा, परंतु जब अमेठी स्मृति ईरानी जीत सकती हैं, सारे प्रदेश के अंदर गठबंधन का कोई असर दिखाई ज्यादा देता नहीं है। बीजेपी 60 से ऊपर का आंकड़ा प्राप्त करने जा रही है। बीजेपी भारतवर्ष की सत्ता का एक केंद्र बना हुआ है। जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो दिल्ली पर राज भी करता है। कभी कभी हुआ है जब उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें कम मिली हैं और रूलिंग पार्टी फिर भी दूसरी रही है, परंतु ज्यादातर यही देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली पर राज करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 60 के लगभग जीते जीत करके ये लगता है कि एक बार फिर से दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस का अल्टरनेटिव बन चुकी है सारे इंडिया के लेवल पर। पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी ने दूसरी बार चुनाव जीता हो। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 52 में 57 में और 62 में चुनाव जीता था। उसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 67 में 71 में चुनाव जीता था। उसके बाद इंदिरा गांधी 77 में हार गई थी, 80 में दोबारा जीती थी, परंतु ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंसेवक ने नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मेजोरिटी लेकर के दिखाई है। 2014 में उनको 282 सीटें मिली थी, इस बार लगभग 300 का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। ये कभी भारतीय जनता पार्टी केवल नॉर्थ इंडिया की पार्टी माना जाता है, परंतु ऐसे स्टेट्स हैं जब 20 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला है, जबकि बीजेपी हर प्रदेश में पहुंच चुकी है। तो बीजेपी के नेतृत्व में ये लगता है कि पहली बार जातिवाद और धर्मवाद को थोड़ा झटका लगा है। लोगों ने नेता को वोट दिया है, लोगों ने जात नहीं देखी है, धर्म नहीं देखा है, केवल एक नेता को देखा है, नरेंद्र मोदी को। और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया जिसके ऊपर मोदी जी खड़े होकर के अपने भाषणों से लोगों को मोहित कर सकते हैं, तो ये चुनाव एक ऐतिहासिक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश के अंदर अपने फुटप्रिंट खड़े किए हैं। ये अगले चुनाव के अंदर मोदी को हराने के लिए कोई बड़ी ताकत का ही सामना करना होगा। अब सवाल ये है कि दूसरी पारी के अंदर मोदी पहले से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, ज्यादा वजह छक्के ज्यादा मारेंगे या चौके ज्यादा मारेंगे, जो अपना रिकॉर्ड जो बनाते आ रहे हैं। 2014 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 2019 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, क्या 2023 में अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, इसकी इच्छा लोग उनकी पार्टी के लोग करते हैं। धन्यवाद।